हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तब्दीली लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आयु मना करने लगती है और जिसकी वजह से सब उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रही होती। फिर बहुत समझाया जाता है, मैं उसे बहुत कुछ सुना देती हूँ, बहुत कुछ बोल देती हूँ, डांट भी देती हूँ। हालांकि उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो मेरा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल है, बट पहले बहुत आता था। तो मैं उसे बहुत सुना देती हूँ और इतनी देर में वहाँ साक्षी भी आ जाती है और वो भी पूछते कि क्या हो गया, अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए, टाइम होता जा रहा है, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो मैं लेने आने वाली थी ना, तो तुम यहाँ कैसे कैसे है कि मैं आपको बहुत देर से फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही यहाँ आ जाती हूँ। तो मैं उसे देख के बहुत खुश हो जाती हूँ और कहती हूँ चलो अच्छा है यार, तुम आ गई, अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुम ऐसा करो यहीं से आरू के साथ चले जाओ। तो आरू मुझे पकड़ती और कहती ऐसा है, तेरी बात मैंने मानी ना, अब तू मेरी सुन, तू चलेगी मतलब चलेगी और बात ख़त्म, ठीक है। ज़ारा और निधि भी मेरे को घूर के देखते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मैं कहती हूँ ठीक है। सब लोग रेडी होने लगते हैं और रेडी होने के बाद सब जैसे ही सामने आते हैं, साक्षी को मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओए होए, मेरे मुंह से बस एक सीटी निकलती है साक्षी को देख कर, कहती हूँ कमाल लग रही है यार तू तो। आरू अपने दिल पे थोड़ा काबू रखना। तो साक्षी कहती है कुछ भी दीदी, कुछ भी बोलती हो यार अब। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, और आज के दिन ना मुझे दीदी मत बोलना प्लीज़। तो कहती है कि क्यों, आप मुझसे बड़े तो हो ना। कहती हूँ यार इतना भी गैप नहीं है कि तुम मुझे सबके सामने दीदी बुलाओ। तो बस तो हंसने लगती है आरू, साक्षी के पास जाते और कहते हैं कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तभी ज़ारा और निधि बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम किसी और को पटाने जा रही हो अगर याद हो तो। आरू कहती है याद है यार, अब आयु की सिस्टर तो मेरी भी। तभी साक्षी बोलती नहीं, आयु की सिस्टर आपकी सिस्टर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दिमाग में भी मत लाइएगा आप अपने। हम सब हंसने लगते हैं साक्षी को देख के। मैं साक्षी का हाथ पकड़ती हूँ और उसे साइड लेके जाती हूँ और कहती हूँ सुनो, आई थिंक तुम गलत डायरेक्शन में हो, आई नो यू आर बाइसेक्सुअल बट आरू इज नॉट द पर्सन, सो प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। आरू के दिल में कोई और है, बेवजह गलत डायरेक्शन मत चूज करो, अभी एक का दिल संभाल रहे हैं, कहीं तुम्हारा ना संभालना पड़े, ठीक है। और प्लीज ये मत कहना कि कोई न्यात नहीं, एक तरफा चला लूंगी ये वो, ऐसा नहीं होता, पूरी लाइफ पड़ी है, अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं जिंदगी के अंदर तुम्हें, अभी स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। तो हेल्प करने आई हो जस्ट हेल्प करो, कुछ और मत करो, गॉट इट। साक्षी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहते हैं बट प्रॉब्लम क्या है, मैं उसे उन्हें मना थोड़ी कर रही हूँ कि वो मानवी को भूल जाए या क्या, ऐसा तो कुछ नहीं कह रही ना मैं। मैं कहती हूँ साक्षी प्लीज नो आर्ग्यू, हर बात पर आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं होता, सो आपको हेल्प के लिए बुलाया है, जस्ट हेल्प करो और बात को ख़त्म करो, अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। आई नो फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता और जब जो
जो अच्छा लगता है लगता ही है, लेकिन ये रास्ता गलत है। और जब मुझे पता है कि ये रास्ता गलत है तो मैं तुम्हें जानबूझ के उस रास्ते पे नहीं कूदने दूंगी। समझ में आया? साक्षी कहती हो के अंडरस्टैंड, समझ गई हूँ मैं, जितना आपने कहा उतना ही होगा। फाइन, आई हैप्पी। कहती हूँ मेरे खुशी की बात नहीं है यार, यहाँ आरू के खुशी की बात है। उसे भी नहीं अच्छा लगेगा कि तुम उसकी हेल्प करने आई और तुम्हें अरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है और उसकी वजह से अब तुम्हें हर्ट हो रहा है। आई नो वट काइंड ऑफ पर्सन शीज, तो प्लीज। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लो बस। जब हमें पता हो कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसकी मंजिल कुछ और है, तो ऐसे रास्तों पे जाना सही नहीं होता है। ठीक है, मैं वहाँ साक्षी को समझाती हूँ। तो निधि और जारा मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इज एवरीथिंग फाइन और नॉट। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और कहती हूँ नो, एवरीथिंग इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं आर यू श्योर? मैं कहती हूँ यार श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग? कहते हैं नहीं नहीं हम कहाँ सोच रहे हैं, बस तुम दोनों को थोड़ा टेंस देखा इसलिए पूछ रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं। तभी वहाँ रू आती है, कहती है चले सब ठीक है, सब रेडी? तो मैं भी कह देती हूँ हाँ सब रेडी है। और हम लोग वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। मैं स्नेहा से कहती हूँ स्नेहा मान भी आ रही है ना पक्का? स्नेहा कहती है हाँ पक्का आ रही है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप। तो हम लोग थोड़ा सा बेफिक्र हो जाते हैं और वहां से भगवान का नाम लेते हैं और आरु को थोड़ी सी हिम्मत देते हैं और उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही साक्षी बोलते हैं कि मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, पता है किधर? कहती है हाँ पता है। और वो वॉशरूम चली जाती है। इधर मानवी भी अंदर आती है। हमें पता ही नहीं होता है कि इस पार्टी में सिर्फ मानवी के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा तूफान इंतजार कर रहा होता है। वह नहीं कि नहीं, दो दो तूफान जिसका किसी को आइडिया ही नहीं होता है। वो तूफान ये होता है कि जब मानवी गाड़ी से उतरती है और अंदर की तरफ आती है तो आरू की नजर मानवी पे पड़ती है और मानवी का हाथ एक लड़के के हाथ में होता है जिसे देख के निधि शॉक्ड होती है। आरोग के पास तो लफ्ज ही नहीं होते बोलने के लिए, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे। सॉरी। तभी सर आ गया थे और कहते क्या देख रहे हो तुम लोग? निधि बोलती है मानवी है और किसी लड़के के साथ आ रही है। ये देख के और सुन के हम दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे कि क्या बोलें,
आरओ को कैसे संभालें, हमने जो प्लानिंग की थी सेम उधर से आ रहा है, क्या कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। और मानवी का हाथ उस लड़के के हाथ में देख के आरू का तो वो हाल हो रहा होता है कि बस लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। आरू मेरी तरफ देखती और कहती है कि कहा था ना मैंने, लेकिन मेरी तो बात ही नहीं सुननी, देख लिया ना क्या हुआ, अब ढूंढो इसका तोड़, है कोई तोड़। तभी मानवी हम लोगों के पास आती है, मैं थोड़ा पीछे जारा के साथ खड़ी हुई रहती हूँ, तो वो हम पे तो कम ध्यान देती है और आरू और निधि पे उसका ध्यान रहता है। निधि मानवी से हाई करती है और कहती है और कैसे हो, थोड़ी सी औपचारिकताएं निभाई जाती हैं वहाँ पे। और उसके बाद मानवी फाइनली निधि की तरफ देखती है और कहती है कि मीट माई बॉयफ्रेंड रियान। ये सुनते ही हम सबके होश उड़ जाते हैं। निधि कहती है कि बॉयफ्रेंड, कहती है हाँ। निधि मानवी का हाथ पकड़ती है और उसे साइड लेके जाती है, कहती है आर यू क्रेजी और व्हाट, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या बेच के खा चुकी हूँ। तो क्या मतलब, चल क्या रहा है। क्या दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या क्या है ये। तुम तो आरू से कहती है कि वो जो भी था खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, जो खड़ा है वो मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है रियान। इस बात को भी यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है। निधि कहती है लिसन, बात सुनो, इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो प्लीज़ पागलपन मत करो, चीज़ों को समझो, समझने की कोशिश करो। लेकिन मानवी उससे मैं उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि अब मैं आरू की तरह तो नहीं रह सकती ना, और उसकी नज़र सिर्फ आरू को देखती रहती है निधि से बात करते वक्त भी। निधि इस चीज़ को नोट करती है और कहती है अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और आरू की तरह तुम रह नहीं सकती हो, ओके, तो तुम रेहान को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी हो, तुम्हारे दिल में रेहान के लिए फीलिंग्स हैं राइट। तो मानवी कोई जवाब नहीं देती, वो कहती है कि हर बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। निधि तभी मानवी से कहती है कि अगर इतना ही तुम्हें प्रॉब्लम है आरू के परेशान होने से, अकेले रहने से, तो उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेती हो, प्यार है आरू तुम्हारा। तो कहती है कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता निधि, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना समझना पड़ता है, और ये बातें मैंने बाद में रियलाइज़ की हैं, तो मैं जानबूझ के वही गलती नहीं दोहरा सकती हूँ। समझ में आया। और ये कह के वो वहाँ से हट जाती है। तभी वहाँ देखते हैं कि मायशा आ रही होती है जी निधि की पार्टनर। मायशा आती है और निधि को हग करती है। निधि कहती है तुम यहाँ कैसे, तो मायशा बोलती है कि शायद तुम भूल गई हो कि जो तुम्हारा फ्रेंड है वो मेरा भी फ्रेंड है,
यदि कहते हो या तभी मानवी भी कहती है कि नाइस टू मीट यू माएस्ट्रा, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, निधि तुमने बताया नहीं। तो निधि चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। मानवी कहती है एग्जैक्टली यही होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी ना किसी रीज़न से छुपा रहे होते हैं और लोगों के सामने एक्सेप्ट करने से डर जाते हैं। मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे भी डर गई तुम तो ज़रा मेरी जगह पे खुद को रख के देखो, कैसा फील होता है, कैसा लगता है, क्या क्या दिमाग में चलता है, समझ में आ जाएगा शायद। आरू इधर रेहान से बातें करती हैं थोड़ी देर। उसका मन तो कर रहा होता है कि रेहान को जान से मार डाले, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। मानवी आती है और आरू से हाथ मिलाती है और रेहान का इंट्रोडक्शन कराती है आरू से कि ये आरू अरुणिता मेरी फ्रेंड। रेहान उनसे मिलता है और थोड़ा सा शो ऑफ करता है और वहाँ से मानवी के कमर में हाथ डाल के अंदर चला जाता है। ये देखते ही निधि का तो बुरा हाल होता है सारा का भी, और आरू तो उसके पास वो कुछ कहती नहीं है, वो बस मेरी तरफ घूर के देखती है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगी अभी। मैं कहती हूँ क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही है ऐसे, कहती है सब तेरी देन है, तेरी वजह से हुआ ये, समझ में आया। कहती हूँ मेरी वजह से, कहती है हाँ। कहती है अच्छा, मैंने जाके रेहान को उसका बॉयफ्रेंड बनाया है। कहती है जी नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मुझे ये फालतू की चीज़ें देखनी नहीं पड़ती, पता भी है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। और चलो यहाँ से उसके साथ खुश हो, उसे उसके साथ खुश रहने दो। ये क्या क्या आरू जाने लगती है तो मैं आरू का हाथ पकड़ती हूँ। कहती हूँ तुम पागल वागल हो क्या है, क्या मतलब कोई चीज़ होती नहीं है उससे पहले ही हाथ पैर पटक के भागना स्टार्ट है। तो वो अपने पैरों को हिलाती है आरू बहुत जोर से, उसकी एक आदत होती है वो टेंशन में अपने पैरों को हिलाने लगती है। मैं कहती हूँ ओह ट्रेन की पैदाइश, रुको थोड़ा स्टॉप करो खुद को। तो कहती क्या मतलब ट्रेन की पैदाइश, कहती ऐसे हिल रही हो जैसे ट्रेन हिलती रहती है और क्या, इसीलिए कह रही हूँ ट्रेन की पैदाइश और क्यों कहूँगी। रुक जाओ अब थोड़ा सा, और कहती है बोलो। मैं कहती हूँ इतना टेंशन ना लो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तुमने जो चीज़ें नोटिस नहीं की हैं वो मैंने नोटिस की है। तुम लोग कहते हो ना कि प्यार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है तुम लोगों के हिसाब से, तो एक बार मेरी भी बात पे भरोसा कर लो। जब इतनी बातों पे भरोसा करके यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ चीज़ें करने दो ना, मुझे भी क्लियरेंस लेने दो ना कि आजकल की मोहब्बत है कैसी, मेरे लिए कर लो यार। क्या होगा, दिल तो तेरा वैसे भी टूटा हुआ है ना, थोड़ा और टूट जाएगा। बात को समझो यार प्लीज, बच्चों वाली हरकतें ना करो, नहीं अच्छी लगती हैं आप, प्लीज प्लीज। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ तो आरू बोलती है ठीक है, क्या करना क्या है, मेरे का प्लान वही रहेगा, प्लान में कोई चेंज नहीं है, वही रहेगा, तुम जली ना। अब उसकी बारी है जलने की, और सुनो ये जलन
और तुम्हें मानवी का किसी और के साथ होने पे इफेक्ट होना, ये सब उसे मत दिखाओ। क्योंकि पता है होता क्या है, जब हम किसी को ये दिखा देते हैं ना कि हम उसके बिना रह नहीं सकते और हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, तो इंसान फिर हमें तड़पाने लगता है, तरसाने लगता है। तब किसी को अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। मोहब्बत है, अंदर रखो, जब शो करने का टाइम आएगा तो खुल के शो करना, ठीक है। ज़ारा कहती है कि इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि जब हम अपने पार्टनर्स को ये बता देते हैं ना कि दैट हम उनके बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, तो वो लोग हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा ही सही कंट्रोल। मैं देखती हूँ कि साक्षी अभी तक वापस नहीं आई होती है। मैं साक्षी को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि कहाँ हो भाई, अभी तक आई नहीं हो तुम? तो कहती है कि बस अभी आई थी और 10 मिनट में वो आती है और कहती है दी आई हैव टू गो। तो हम लोग ऐसे शॉक्ड होके उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्या मतलब है कि आई हैव टू गो, क्या मतलब है, क्या है? और आरू मेरी तरफ घूर के देख रही होती है। मैं कह रही हूँ ये भगवान के इशारे हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं फिर अपने सर पे हाथ रखती हूँ, कहती हूँ इसका फिर से लाउड स्पीकर शुरू हो गया यार, इसे कोई चुप कराओ। तो आरू कहती है कि देखा मैं कह रहा था पहले से ही कह रहा था। कहती हूँ कह रहा था बंद कर पहले, तू जब तक मानवी के साथ थी तब तक कह रही है करती थी, अब कह रहा हूँ करता है करती है कि चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, तुझे खुद आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं। एक काम कर दो। तो कहती है क्या? कहती हूँ तुझे मानवी चाहिए, मानवी को लड़का चाहिए सबको दिखाने के लिए, है ना? कहती है हाँ। कहती हूँ जाके ट्रांसजेंडर करा लेना यार, ट्रांसफॉर्म करा ले खुद को, कहानी किस्सा खत्म सारा, उसे लड़का मिल जाएगा, तुझे मानवी मिल जाएगी, उसकी इमेज भी खराब नहीं होगी, सब कुछ ठीक। कहाँ इतना थक रहे हैं फिर हम लोग। तो आरू मेरी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है आज तू गई, तेरे को बहुत दिन से बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, जो मन में आता है बोलना होता है, आज तू गई बेटा तू। मैं कहती अच्छा 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 रुक। ज़रा कहती अरे यारू रुक जा यार, देख एक बात देखा जाए तो बात तो ठीक ही है ना, उसे लड़का चाहिए, अपनी इमेज चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, तो तू खुद को चेंज करा ले। कहती है हाँ सही कह रही है, वो चेंज करा लूँ, ठीक है ये भी सही है, यही कर लेती हूँ, मानवी तो मिल ही जाएगी ना। तो कहते देखा क्या पागलपन चढ़ा है मोहब्बत का, आप बेवकूफ़ इंसान, दुनिया जान गई है तू लड़की है, उसके फ्रेंड सर्कल में सब पता चल गया है, अब तू जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा के जब जाएगी तो तुझे क्या कहा जाएगा पता भी है? कोई तुझे लड़का मानेगा? जिनकी बातें हम कर रहे हैं ना उनको सोसाइटी कैसे अपना पाती है, हम ही लोगों को अभी तक सोसाइटी नहीं अपना पाई है, बेवजह की बात। उनका अपना अलग अस्तित्व है, उनका अपना अलग व्यक्तित्व है, और उनकी बात ही अलग है। उन लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ता है तब जाके सोसाइटी में हक से जी पाते हैं। समझ में आया? तो हमें कोई अधिकार नहीं है उन लोगों के ऊपर कुछ भी कहने का। तो आरू मेरी तरफ फिर देखती और कहती वाह बोला किसने था? कहती मैंने तो एक आइडिया दिया था कि ऐसा हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन तो है ही ना, अगर कुछ नहीं होगा तो ये करा ही लेंगे, फिर क्या है? तो कहते देखा
इसके तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बाबा, मैं कहती हूँ साक्षी सुनो ना तुम्हें, क्या क्या नाटक है ये, कहाँ जाना है? कहती है मोम की तबीयत ठीक नहीं है, ये देखो मैसेज आया है जाना पड़ेगा। और ये कह के वो बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाती है। अब सब लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं कि अब क्या वापस चले घर। कहती हूँ हाँ अब यही ऑप्शन है। तभी निधि और सारा कहते हैं यही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन और भी है। मैं कहती हूँ क्या, अब कौन सी लड़की है, कहाँ से लड़की ढूंढेंगे? तो दोनों मेरी तरफ देख रहे होते हैं। तो मैं ऐसे घूम जाती हूँ और कहती हूँ नहीं 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 मैं कभी नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तारू कहती क्यों 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 क्यों, यहाँ यहाँ खड़ी हो जाओ चुपचाप, और अभी आपको ही करना है, समझ में आया? निधि आप ही को नहीं जानती है बस, बाकी सबको जान, सॉरी मानवी आप ही को नहीं जानती है बस, बाकी तो निधि को जानती है और जारा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? मैं कहती हूँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती, मेरे बस की है ही नहीं, मेरे खून में ही नहीं है किसी का गर्लफ्रेंड बनना, मैं लड़कियों की तरह बिहेव कर ही नहीं सकती हूँ। अभी तो तुम ही लोग बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मैं अपने पार्टनर के लिए एक मेल एलिमेंट आ जाता है मेरे अंदर, तो वो आ जाएगा। तो कहती आय हाय आय हाय, सच में तुझे मुझसे प्यार नहीं हो रहा है, ठीक है, और सच में मैं तेरी पार्टनर नहीं बन रही हूँ जो तेरा मेल एलिमेंट बाहर आ जाएगा। अब ये जो है नाटंकी बंद करो और स्टार्ट करो। मैं कहती हूँ नो इम्पॉसिबल, मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है। अच्छा देखो मैं कैसे कर लूँगी बताओ। कहते क्या क्या कैसे कर लूँगी क्या? मैं कहा देखो मैं कपड़े कैसे पहन के आई हूँ, शर्ट जैकेट जीन्स स्नीकर्स ये पहन के मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के अंदर जाऊँगी? तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं और मैं अंदर अंदर खुश होने लगती हूँ, थैंक गॉड बच गई बच गई बच गई। तभी निधि कहती है जरा निगाहें पलटे। तो मैं कहती हूँ कहाँ? कहती है वो देखो सामने। तो आरू की भी नज़र उधर जाती है और हम सब की नज़र उधर जाती है। तो सामने शोरूम होता है। कहती है यहाँ से हम अच्छी सी ड्रेस इसके लिए परचेज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ इधर पार्टी स्टार्ट होने वाली, इधर हम ड्रेस परचेज करने जाएंगे तो दिमाग ख़राब है क्या? ऐसे नहीं होता और मैं नहीं कर सकती यार, ऐसा करो ये प्लान कैंसिल करते हैं, कुछ नया प्लान स्टार सोचेंगे ना फिर उसे कंटिन्यू करेंगे। तारू कहती नहीं 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 ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और तुमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, इस प्लान के लिए कोई सुटेबल ही नहीं है, तो अब तो तुम्हें ही करना। मैं कहती हूँ यार मेरे से नहीं होगा। और वो लोग पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती उस शोरूम में ले जाते हैं, मेरे लिए ड्रेस लेते हैं और उस ड्रेस को मुझे कैरी करवाते हैं। खैर उस ड्रेस को मैं पहन तो लेती हूँ किसी तरीके से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की, तो मुझे काफ़ी उलझन हो रही होती है, शॉर्ट ड्रेस होती है काफ़ी। तो अब बात आती है उस पर हील्स पहनने की और हील्स पहन के चलना, भाई बहुत टेढ़ा काम है। मैं तो उन लड़कियों को सल्यूट करना चाहूँगी जो हाई हील्स पहन के चल लेती हैं, बहुत टफ काम है बैलेंस करके चलना, हम तो दौड़ने वालों में से हैं। खैर मैं वहाँ नौटंकियाँ करती हूँ, मेरे से वो हील्स क्योंकि पहन के चली नहीं जा रही होती, वो लोग सर पकड़ के अपना बैठ जाते हैं और मैं कहती हूँ यार मुझसे नहीं हो रहा ना, देखो ये प्लान कैंसिल कर दो और कुछ और ट्राई करते हैं। तो आरू एकदम उदास हो जाती है और निधि कहती है नहीं हम करा लेंगे तुमसे, अभी पार्टी में टाइम है, तुम चलो तुम फिर से ट्राई करो पहनो और चलो। कहती हूँ क्या है यार मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ यहाँ पे? तो इस तरीके से मेरी कुछ वहाँ पे नोक झोंक हो जाती है उन लोगों से। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, क्या हम कोई और प्लान सोचेंगे या ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।